सब्सक्राइब कीजिए आप हमारे चैनल न्यूटेक ईजी को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें नए वीडियो की नोटिफिकेशन एंड सूचना के लिए। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस शेयर वाले बटन को दबाकर आगे शेयर कीजिए। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना न्यूटेक ईजी चैनल। मैं हूं शंकर, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल न्यूटेक ईजी में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम कुछ दिनों से लगातार अनबॉक्सिंग करते आ रहे हैं। तो जो ये पार्ट दिखा रहा हूं वो काफी यूट्यूबर्स के लिए भी काफी बेहतर है और एक अच्छे स्टूडियो के लिए भी काफी बेहतर पार्ट है, जो बार बार मैं आपको दिखा रहा हूं कि ये वाली जो चीजें मैं परचेज कर रहा हूं वो एक बेस्ट यूट्यूबर्स के लिए कर रहा हूं। और आपको बताना चाहता हूं कि एक यूट्यूबर के लिए काफी ये चीजें क्या जरूरी होती है। तो आज ही उन्हीं चीजों में से मैं एक बहुत ही खास चीजें लेकर आया हूं, वो है ट्रिपॉड। एक ट्रिपॉड बहुत ही बेस्ट ट्रिपॉड है और वो मैंने फ्लिपकार्ट से बाय किया है। तो ये वाला जो ट्रिपॉड है, ये है वो ट्रिपॉड और इसे मैंने फ्लिपकार्ट से जो है बाय किया है, यानी परचेज किया है। तो आप भी इसे ना, मैं डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन में जाके इसकी लिंक पर जाके कि आप इसे परचेज कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। इसकी क्वालिटी काफी अच्छी है, बेहतरीन क्वालिटी का ये है। और उसी के साथ साथ इसकी जो लेंथ है आप कम ज्यादा कर सकते हैं, मतलब छोटा वाला नहीं है और एक बेस्ट प्राइस के अंदर और ये आपको एक बेहतर सुविधा उपलब्ध कराता है। मतलब 470 रुपये से 500 रुपये तक की इसकी प्राइस होती रहती है, मतलब 470 रुपये तक आपको पड़ेगा। वैसे 450 रुपये तक या 430 रुपये तक या 450 रुपये तक अभी इसकी प्राइस चल रही है। 450 से 470 तक आपको मिल जाएगा अभी आप यदि लिंक पर जाकर क्लिक करते हो, वरना आपको 500 रुपये तक या 500 से ज्यादा कभी नहीं जाएगा, 500 के अंडर ही रहने वाला है। 500 या 470 या 450 या 430, ये 3-4 रेटें मैंने लगातार देखी इसकी चेंज होती हुई। तो ये सारी की सारी इसकी रेट्स है। उसके बाद में अब इसकी जो है बिल की बात करें तो ऊपर आप जानते हैं बिल आता है, तो चाहे तो आप इस बिल को देख सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। इस बिल को देखिए, यहाँ से मैं ओपन करता हूँ तो यहाँ पर इसका जो है बिल है और इसकी जो प्राइस है वो मुझे 374 रुपये पड़ी है, मतलब 400 रुपये तक भी नहीं पड़ी, मतलब मेरे को ये बहुत ही जो है सस्ता मिला है। तो एक्चुअली क्या हुआ था कि जो ट्रिपॉड था वो आपको वैसे तो 470 या 450 रुपये का पड़ता है, लेकिन रेटिंग से एक साथ बढ़ी तो इसकी प्राइस एक अचानक से कम हो गई। तो अभी आपको बहुत ही कम रेट में आपको मिलेगा, मात्र 374 रुपये में आपको मिल जाएगा। और अब इसकी जो रेट होती है वो सिर्फ 400 रुपये के अंडर ही रहेगी, क्योंकि इसकी जो है परचेज करने की दिन ब दिन बढ़ती गई। तो कंपनी ने जो इसके ऑफर को देखती है अब रेट तोड़ दी है इसकी, तो 400 रुपये से बाहर नहीं जाएगी। तो मतलब आपको 374 रुपये में ये मिलने वाला है। मैंने जो देखी इसको 374 रुपये में मंगाया है, आप देख सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ पर जाकर इसकी जो है रियल टाइम रेट देख सकते हैं। और इसका लास्ट 400 के अंदर ही रहने वाला है, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। उसके बाद में हम देखते हैं इस प्रोडक्ट को जो है ओपन करते हैं। ओपन करने के लिए मैं कैंची ले लेता हूँ और इसको कट कर लेते हैं सिंपली, और इसको चलो इतने से ये काम चल जाएगा। इसको ओपन करने के बाद देखिए, ये इस तरह का एक अच्छा खासा बॉक्स आता है और इस बॉक्स के ऊपर इसकी जो क्वालिफिकेशन है, इसकी योग्यता है, वो यहाँ पर लिखी हुई है। इसके अंदर किस तरह से इसको यूज करना है वो सारी लिखी हुई है, और यहाँ पर देखिए इसकी पूरी जानकारी दी हुई है। देखिए पहले बात तो दोस्तों, ये ट्रिपॉड जैसी चीजें होती है उनको आप अपने आप जो है यूज करने का प्रयास न करें, थोड़ा सा उनके बारे में देख ले, क्योंकि कई बार निकालने की कोशिश करते हैं, उसकी लेंथ बढ़ाने की कोशिश करते हैं और उसके पैर वगैरह जो इसकी लेंथ वगैरह के जो है टूट जाती है, हमसे इसमें डैमेज हो जाते हैं। तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखें, इसलिए इन सब चीजों की अनबॉक्सिंग करना जो है काफी जरूरी हो जाता है। तो अभी इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और उसके बाद में देखिए, ये कितना प्यारा सा बैग मिलता है इसको सेव करने के लिए, और काफी अच्छी क्वालिटी है, ज्यादा अच्छी तो नहीं फिर भी अच्छी एक अच्छी क्वालिटी है, वो आपको सेव करने कर रखने के लिए इस तरह से मिल जाता है ये बैग। उसके बाद में देखिए, इसको मैं निकालता हूँ तो क्या मिलता है मेरे को इसके अंदर, ये तो एक जो है अच्छा खासा ट्राइपॉड मिलता है, और ट्राइपॉड के साथ ये एक इसका माउंट मिलता है मुझे मोबाइल को माउंट करने के लिए, और बाकी आप इसे डीएसएलआर कैमरे, बड़े बड़े कैमरे भी जो इसे माउंट कर सकते हैं बहुत ही अच्छे से। और यहाँ पर जैसे आप इसकी देखोगे, इसके साथ सबसे बड़ा फायदा इसकी लेवल आई है। देखिए बहुत ही कम ट्राइपॉड्स के साथ आपको लेवल मिलती है। लेवल का काम ये होता है कि जब आपने कैमरेज को सीधा कब होएगा, तो कब कहाँ पर जाकर आपका जो ट्रिपॉड है, आपका जो उसके ऊपर कैमरा या मोबाइल है, वो कहाँ पर जाकर फिक्स आ चुका है, मतलब सेंटर पॉइंट में आ चुका है, वो आप लेवल से पता कर सकते हैं बिल्कुल। उसके बाद इसको आप आसानी से यूज कर सकते हैं, और इसकी लेंथ को आप बढ़ाना चाहे तो इस तरह से आप इसे ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद में देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ, इसको इस तरह से ओपन करना है आपको। देखिए इस पेयर को इस तरह से निकालना है और इस पेयर को इस तरह से निकालना है, तो इस तरह से इसकी लेंथ बढ़ेगी। उसके बाद में आपको इसको यदि रखना है तो यहाँ से लो करना होगा, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से आप सभी के सभी इसके जो है पांव वगैरह निकाल लेंगे इस तरह से। बिल्कुल मैं निकाल लेता हूं, और यहां से देखिए इसके पांव वगैरह निकाल लेते हैं, और
यहां से भी निकाल लेते हैं। आपको इसी तरह करके सारे के सारे निकालने, लेकिन इसको लॉक करना मत भूल जाना, वरना ये टिकेगा नहीं, वापस अंदर के अंदर चले जाएंगे। तो यहां से इनको आपको लॉक करना है, इस तरह से लॉक कर देना है, इस तरह से लॉक कर देना है। उसके बाद में आप देख रहे होंगे काफी जो है ये बड़ा ट्राइपॉड है, इस तरह से देखिए इसकी लेंथ ठीक ठाक मिल जाती है। मैंने कहा थोड़ी नीचे वाले जो है पूरी नहीं खुली, इस तरह से। और अब देखिए ये पूरी तरह से एक ट्राइपॉड जो है काफी अच्छा ट्राइपॉड लग रहा है, आप इसे और निकाल सकते हैं इस तरह से। तो इसकी काफी अच्छी खासी लेंथ है। उसके अलावा यदि आपको थोड़ा ऊंचा वीडियो रिकॉर्ड करना है तो आप यहां से इसको मैनेज कर सकते हैं, मतलब चारों ओर इस तरह से रोटेट होगा। उसी के साथ साथ क्या होगा, यहां से पहले आपको इसको कस देना है, यहां से इसको रखने के लिए, लेंथ बनाए रखने के लिए। उसके बाद में आपको क्या करना होगा, यहां से इसको मोबाइल को इस तरह से माउंट कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से जो है इसको माउंट कर पाएंगे। यहां पर आप इसको जुड़ सकते हैं, इस तरह से जो है माउंट हो जाएगा। उसके बाद में इसकी नेक्स्ट बात बताता हूं, तो यहां से आप इसको मैनेज करके मतलब इसके रोटेशन को जो है बहुत ज्यादा इस तरह से ढीला वगैरह कर सकते हैं थोड़ा सा, और यहां से देखिए इसको मैनेज कर सकते हैं आप। ये वाला इसको थोड़ा सा ढीला करोगे तो आप ऊपर नीचे आपके कैमरे को सेंटर पॉइंट में रखने के लिए आपको काम आएगा इस तरह से। और ये बिल्कुल 360 डिग्री के एंगल पर घूम सकता है, रोटेट हो सकता है इस तरह से, देखिए बिल्कुल रोटेट हो सकता है, और आपकी रिकॉर्डिंग में काफी हेल्प करेगा आपकी। और ये माउंट आपको यहाँ पर जो है इंसर्ट कर देना है। उसके बाद में देखिए ये वाला भी इसका ऑप्शन आता है, जो आपको क्या करता है आपके कैमरे को मतलब मोबाइल को जब आडा वगैरह लेना हो, मतलब थोड़ा सा जो है बाई तरफ या लेफ्ट राइट जो है मोड़ना हो, तब ये इसका यूज होता है। तो इस तरह से आप इसे इसको यूज कर सकते हैं। और यदि आपका माउंट अच्छे से कस नहीं रहा है तो आप इधर से जो है इसको निकाल लेना है थोड़ा सा, और अब आपको माउंट इसके ऊपर जो है लगा देना है इस तरह से। जब आप इस तरह से माउंट लगा दोगे उसके बाद अपने फोन को रख सकते हो इस तरह से, और इसको जो है हम इस तरह से क्या करते हैं बंद कर देते हैं फिर से। और ये देखिए कितना अच्छा ट्राइपॉड है इसका, और बहुत ही अच्छा ट्राइपॉड आपको देगा ये, बहुत ही मतलब बहुत बेहतरीन क्वालिटी है। वो इसकी जो मेटल की मैं बात करूं तो एल्यूमिनियम की जो इसकी मेटल है और वो काफी बेहतर मेटल है, और यहाँ से बेहतरीन रिकॉर्डिंग की जा सकती है, स्टूडियो टाइप रिकॉर्डिंग की जा सकती है। DSLR इसमें इंसर्ट होगा और काफी जो है हेवी है ये, और 1500 ग्राम तक का मतलब 1.5 kg तक का वजन ये उठा सकता है। उसी के साथ साथ आपकी जो सामूहिक प्रोग्राम के लिए भी काफी बेहतर है, यदि आपको डांस वगैरह के लिए थोड़ा सा ऊंचा करना पड़े तो आपको कुछ नहीं करना। इसकी लेंथ अगर आपको थोड़ी ज्यादा चाहिए तो इसको कुछ नहीं करना होगा, आपको यहां से थोड़ा सा इस तरह से रोटेट कर दोगे तो आपके मोबाइल का कैमरा जो ऊपर से जो है रिकॉर्ड करने लग जाएगा। यदि आप थोड़ा सा डाउन करते हो तो इस तरह से डाउन से जो है रिकॉर्ड करने लग जाएगा। तो ये थी इसकी बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी, और ये था आज का ये ट्रिपॉड। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, और ऐसे में आपके लिए और जो है यूट्यूबर्स के लिए बेहतरीन बेहतरीन चीजें लाता रहूंगा और सिखाता रहूंगा आप सभी को। तो चलिए दोस्तों अभी के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, यदि कोई सजेशन हो तो हमें जरूर दीजिए कमेंट में। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।